अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल बीफ क्रॉकरेट्स। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत इजी और सिंपल लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द रेसिपी। यहाँ मैंने ले लिया है 500 ग्राम मिन्स बीफ का लिया है मैंने, साथ में ग्रीन चिलीज़ है, ऑनियन है, कैरेट है, हरा धनिया और पुदीना, इन सबको मैंने चॉप राइस कर लिया। कीमा मेरा दो बार मशीन से निकला हुआ था, उसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। यहाँ कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने पूरी लिस्ट यहाँ लिख दी है, जिसमें है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी का मसाला। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आपके पास ना हो तो आप चाट मसाला ऐड कर दें। और मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। छोटा बाउल था, मैं बाउल चेंज कर लेती हूँ, बड़े बाउल में इसको मैंने डाल दिया। और एक 1 बिग लेमन मैंने इसमें स्क्यूज कर दिया है। अच्छे से मैं इसको रब कर दूंगी और मिक्स कर लूंगी सारे मसाले को। इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है, यकीन करें इसको अराउंड 10 मिनट्स तक मैंने मिक्स किया है। इसके बाद मैं आपको इसकी एक बॉल बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको बॉल शेप दी है। आप इस क्रॉकरेट्स की कोई भी शेप दे सकते हैं, ओवल दे सकते हैं, आप सीख कबाब की तरह लंबे बना सकते हैं, आप शामी कबाब की तरह इसको वैसी शेप भी दे सकते हैं। एक मैंने आपको फर्स्ट दिखा दिया था, यहाँ मैं लास्ट बना लेती हूँ। मेरे अराउंड बन गए थे 16 to 15 इसमें बन जाते हैं। इस रेसिपी से आप बहुत सारी रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। मसाला भून के आप ये कबाब फ्राई करके उसमें डाल सकते हैं, स्पैगेटी बना सकते हैं, उसके टॉप पे आप ये मीट बॉल्स रख सकते हैं, इवन आप इसके पिज़्ज़ा में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। यहाँ मैंने हॉट ऑयल में इनको डीप फ्राई करने रख दिया है। अगर आप इसको बेक करना चाहें तो इसके ऊपर आप इसमें आप जो है अराउंड 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के तो बॉल्स बना के इसको आप बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी रख सकते हैं। मैंने इसको पहले हाई फ्लेम पर रखा था 5 मिनट, उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम कर दी थी बिल्कुल स्लो, मीडियम फ्लेम पर ये पकाया मैंने ताकि ये अंदर तक ये पक जाए। अराउंड 6 to 8 मिनट्स मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे बनना छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने हाई फ्लेम कर दी है दोबारा। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, हमारे ज़बरदस्त से कबाब हो गए रेडी। मीडियम फ्लेम पे इसको ज़रूर छोड़िएगा वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि मीट बॉल्स काफ़ी बड़ी हैं साइज़ में। फ्राई करते हुए अगर हम ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल राइट रखेंगे तो हमारी चीज़ पे एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आता और खाने में भी नहीं आता। आप देख लें, यहाँ मैंने कोई टिश्यू पेपर, किचन टॉवल कुछ नहीं रखा था और इसने बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ईजी और सिंपल लगी होगी। प्लीज़ डू ट्राई इट, गिव मी योर फीडबैक। यहाँ मिंट की चटनी मैंने डाल दी थी नीचे और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से क्रॉकरेट्स रख दिए थे। ज़बरदस्त ये क्रॉकरेट्स हो गए हैं रेडी। अब मैं इनको टेबल पर सर्व कर देती हूँ और इसको हम खूब इन्जॉय करेंगे चाय के साथ। ये हमारी ज़बरदस्त सी मिंट की चटनी, इसके साथ ये बीफ क्रॉकरेट्स, और ये स्पेशल ईद बीफ क्रॉकरेट्स हमारे हो गए हैं रेडी। यहाँ मैं आपको एक खाकर बताती हूँ, ये आप देख लें इतनी ज़बरदस्त हैं ये। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और च्यूई से, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं की है मैंने ब्रेड क्रम्स की या किसी भी चीज़ की, आप देखें, और ना ही ये अंदर से ऑयली है। इतना डीप फ्राई करने के बावजूद ये अंदर से बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इनसाइड और आउटसाइड एकदम क्रिस्पी। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।